played by them, और इंट्रोगेटिव होगा इसका आर, क्योंकि इधर आ जाएगा आर दे प्लेइंग हॉकी, सेंसेस बन जाएगा ईच, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मिलाए, ईच हॉकी बीइंग प्लेड बाई देम, और अंतिम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस ले लीजिए आर दे नॉट प्लेइंग हॉकी, इट्स हॉकी नॉट बीइंग प्लेड बाय देम ऑन मार्क्स ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस दोनों की मैंने प्रैक्टिस करवाई आपको। अब इसका तीसरा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको भी हम एक साथ ले लेते हैं। उसके बाद हम जैसे पूरा टेंस पढ़ लेंगे फिर उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हर वाक्य के हिसाब में आपको उसके नियम दोबारा बताता करूंगा। अब ले रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, अब वही सूत्र रहेगा सब्जेक्ट वगैरह या अकॉर्डिंग टू टेंस हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या हो जाएगी, हैज बीन या हैज बीन या हैव बीन, ये बस और बाकी सब ये रहेगा। ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टेंस हैज बीन या हैव बीन, अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम हैज बीन लगाएंगे और प्लूरल होगा तो हम हैव बीन लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य देखिए जिसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं, जैसे वी हैव, वी हैव ईटन फूड, We have eaten food। देखिए वाक्य कौन से टेंस का है, we सब्जेक्ट के बाद में have और main verb की थर्ड फॉर्म, तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो वही नियम, इसका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आ रहा है यहाँ, तो आ गया फूड, या बी के साथ हैव था लेकिन फूड के साथ हैज आएगा, इसलिए हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो जाएगी अकॉर्डिंग टू टेंस, और सब्जेक्ट हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हो जाएगी हैज बीन, फूड हैज बीन, और मैन वर्ब की पहले से थर्ड फॉर्म है क्योंकि परफेक्ट टेंस है, फूड हैज बीन ईटन बाई, और वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक वाक्य। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो इस तरह से होता, We have not eaten food. We have not eaten food. It is a negative sentence of present perfect tense. Now change it into passive voice. So food आ जाएगा इधर, food has, और तीसरे नंबर पे not, has not been, third form eaten by us, ये negative sentence। अगर ये sentence हमारा interrogative होता तो किस तरह से होता, have we eaten food, तो इसका passive voice कैसे बनता, has
हेल्पिंग वर्ब इसमें, तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब चला जाएगी, यहां बी के साथ है तो यहां हैज, हैज फूड और बीन, क्योंकि हैज बीन या हैव बीन होगी, हैड फूड फूड बीन, हैज फूड बीन ईटन बाई अस, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता तो कैसे होता, हैव वी नॉट ईटन फूड, तो पैसिव हो जाएगा हैज फूड नॉट बीन ईटन बाय अस। तो इन दिस वे वी कैन ट्रांसफॉर्म द एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, रूल सभी में एक ही है, हर टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है, जो पहले चार्ट में मैं आपको समझा चुका हूं। तो वी हैव कंप्लीटेड प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव इसी नहीं बनता है। प्रेजेंट में केवल तीन ही टेंस हैं जिनको हम एक्टिव से पैसिव इसमें चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा वाक्य है जो तीनों टेंस में एक साथ समझा रहा हूं, जनरल और हेडिंग में यहां केवल प्रेजेंट टेंस दे रहा हूं क्योंकि सभी आ जाएंगे इसमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। इस साइड में मैं एक्टिव वाक्य लिखूंगा, उसका उत्तर उधर होगा, जैसे सीता रीड्स ए नॉवल, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका हो जाएगा सीता इज रीडिंग ए नॉवल, और तीसरा इसका हो जाएगा सीता हैज रेड ए नॉवल, एक तीनों टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम इनके पैसिव्स बदलते हैं, सीता रीड से बुक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये नॉवल जो है पैसिव हो इसमें, नॉवल से हम वाक्य की शुरुआत करें क्योंकि नॉवल इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव पैसिव हो इसमें जरूर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, सेंस के अनुसार इज आर एम, तो नॉवल सिंगुलर है तो नॉवल इज, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाई सीता, ये इसका पैसिव, नॉवल इज रेड बाई सीता, और यहां देखिए सीता इज रीडिंग ए नॉवल, तो यहां ए नॉवल, ए नॉवल इज रेड बाई सीता, अभी हो जाएगा ए नॉवल इज, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, अकॉर्डिंग टू टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज बीइंग आर बीइंग या एम बीइंग, तो यहां नॉवल हमारा एक क्वेश्चन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ए नॉवल इज बीइंग रेड बाई सीता, ये इसका पैसिव, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन हो जाएंगी पैसिव इसमें, ए नॉवल हैज बीन रेड बाई सीता। तो देखिए इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट तीनों के हमने एक्टिव से पैसिव बनाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर हम इसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वही नियम आएगा,
जो मैन्युफैक्चरिंग के उदाहरण आपको दिया है और प्रैक्टिस से हम करेंगे तो सारी चीजें आपकी और समझ में आ जाएंगी। तो आज हमने थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो का जो तीसरा भाग है उसमें हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पास्ट टेंस लेंगे और उसके बाद हम फ्यूचर टेंस लेंगे और फिर उसके बाद हम विशेष प्रकार के जो वाक्य हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव उसमें बदलना सीखेंगे। ये केवल बेसिक नॉलेज के लिए है, असली प्रैक्टिस तो हम जब आगे इन सबको पढ़ लेंगे तब होगी। धन्यवाद, मैं समझता हूँ आपको समझ में आया होगा।